खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। जब बच्चा ऊंचाइयों पे जाता है तो माँ बाप को ही सबसे ज़्यादा खुशी होती है, इससे ज़्यादा कोई गर्व का पल हमारे लिए हो नहीं सकता है। फादर के होने के नाते मुझे बहुत ही खुशी है। थोड़ा सा कहीं पर नर्वसनेस भी आती है कि उस मिशन को लेकर के जब कुछ सुनते हैं कहीं तो, लेकिन फिर भी फिर दिमाग को हटा के अलग फिर कहते हैं कि हाँ सब बढ़िया है। बताया जाता है कि ये फला के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग बच्चे के नाम से अब जाने जा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि ये सक्सेस हो, मिशन सक्सेस हो, बहुत अच्छी तरह हो। खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं है। जब बच्चा ऊंचाइयों पे जाता है तो माँ बाप को ही सबसे ज़्यादा खुशी होती है, इससे ज़्यादा कोई गर्व का पल हमारे लिए हो नहीं सकता है। बस ये है कि अब थोड़ा सा कहीं पर नर्वसनेस भी आती है कि उस मिशन को लेकर के जब कुछ सुनते हैं कहीं तो, लेकिन फिर भी फिर दिमाग को हटा के अलग फिर कहते हैं कि हाँ सब बढ़िया है, जो है वो अच्छा हो रहा है। अब वो कल गए हैं अमेरिका के लिए, यहाँ से निकल गए हैं कल। अब उनकी वहाँ 5-6 महीने ट्रेनिंग होगी। बहुत सारी दुआएं, बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ उनको भेजा है मैंने यहाँ से कि तुम यही लेके जाओ और कुछ देने को है नहीं जो मैं तुमको दूँ। खुशी खुशी गए हैं। रात अभी कब मुलाकात हुई थी? रात मुलाकात अभी अप्रैल में आए थे, यहाँ CMS में प्रोग्राम था। CMS वालों ने इनका जो है किया था स्वागत समारोह, किया था, बुलाया था। स्कूल में यही पढ़े हैं CMS में ही, तो इस वजह से उन लोगों ने बुलाया था, तब 3-4 दिन के लिए आए थे। कैसा लग रहा है मैम, आप अंतरिक्ष में जाएंगे, आपको कैसा लग रहा है, परिवार में कितनी खुशी है? परिवार वालों में तो बहुत खुशी का माहौल, बच्चे भाई बहन जो हैं बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। दो बेटियाँ और हैं हमारी, इस बेटे के अलावा दोनों बड़ी हैं, सब बहुत खुश हैं बच्चे, और हम लोग तो खुश हैं। हमारी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं। वैसे बताया जाता है कि ये फला के बच्चे हैं, लेकिन हम लोग बच्चे के नाम से अब जाने जा रहे हैं कि ये फाइटर पायलट जो है पहले थे, फिर जो है अब एस्ट्रोनॉट में चूज़ हो गए, एस्ट्रोनॉट से फिर और आगे जा रहे हैं, ऐसे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मेहनत लेकिन बहुत करता है, ब्रिलियंट इतना है, बचपन से ही बहुत ब्रिलियंट है बच्चा हमारा पढ़ने में, और पढ़ाई के बलबूते पे ही ये इतना आगे बढ़ पाए हैं। बचपन में क्या जिस समय पढ़ाई कर रहे थे, क्या लगा आपको कि आज इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे? ये तो नहीं लगा था, क्योंकि हमारे यहाँ ये चाहते भी नहीं थे कि आर्मी एयरफोर्स की तरफ जाए बच्चा, लेकिन वही है ना, जिसकी डेस्टिनी में जो लिखा है वो तो होके ही रहेगा। वो चला गया, जाना था तो उसको चला गया, बस चला गया। चला जाने के बाद भी वो A1 बना ही रहा हमेशा, हर समय हर जगह, और आज पहुंचते पहुंचते वहां पहुंच गया। प्रधानमंत्री जी ने जब नाम लिया तो आप लोग देख रहे थे उस समय, कैसा लगा उस समय, फीलिंग क्या रही? उस समय तो बहुत खुशी हुई थी, खुशी के मारे हम लोगों के आंसू नहीं रुक रहे थे, मारे खुशी के पूरा परिवार हमारा जो है खुशी के मारे सबके आंसू बह रहे थे, पूरे ऑडिटोरियम में मतलब तालियों की गड़गड़ाहट और सबके आंसू इन बच्चों को देख के। चारों बच्चे बहुत ही बहुत अच्छे हैं सब। रिश्तेदारों से भी फोन आ रहे हैं? हाँ, लगातार कल से रात से बराबर फ़ोन से बातचीत हो रही है, सब बहुत खुश हैं। क्या हमारे घर का, हमारे परिवार का बच्चा है आज अपने लखनऊ का, अपने उत्तर प्रदेश का, सब जगह का नाम रोशन कर रहा है, सब खुश हैं बहुत। आपने कहा ट्रेनिंग पे गए हैं, ट्रेनिंग को लेके क्या कुछ बात हुई, कुछ खास बात? नहीं, बात तो हमेशा होती रहती है, हम लोग तो फरवरी से ही जानते हैं कि ये अगला यही होना है, बट ये नहीं था कि चारों में से शुभांशु ही जाएंगे, एक आदमी को जाना था, मतलब वो मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया तो ये सुन के और थोड़ा खुशी लगी कि अच्छा लगा। उसमें पहले यह था कि पता नहीं कौन जाएगा, दो लोगों को जाना था, एक मेन है एक बैकअप में है। मिशन में अब ये 4 में से 2 सेलेक्ट हो गए, जिसमें इनका शुभांशु का प्रथम नाम है, और फादर के होने के नाते मुझे बहुत ही खुशी है, और मैं चाहता हूँ कि ये सक्सेस हो, मिशन सक्सेस हो,
बहुत अच्छी तरह हो, और हमारा कोई जो है हमेशा यही ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि मतलब इनको जितनी सक्सेस हो अच्छी तरह सब पूरी सक्सेस मिले। क्या आप शुरुआत से चाहते थे कि ये इसी लाइन में जाएं या इसी तरह से अंतरिक्ष में सेलेक्ट हो? नहीं, फोर्स की सर्विस थोड़ा सा हम नहीं चाहते थे शुरू में, सिविल सर्विसेज थोड़ा सा ज़्यादा हम थी, इच्छा थी, परंतु जब इसका इसमें सिलेक्शन हो गया बगैर हमारी जानकारी के, तो फिर मैंने डिनाई भी नहीं किया, मैंने ऊपर वाले पर छोड़ दिया कि जो भी वो चाहता है वो अच्छा चाहता है और हो जाएगा तो अच्छी बात। फिर ये मेहनत करता चला गया, फिर उसमें टेस्ट पायलट हो, फाइटर पायलट हुआ, फिर टेस्ट पायलट हुआ, फिर इसमें इसरो में सिलेक्शन हो गया, अब इसरो से फिर इसमें सिलेक्शन हो गया, तो वो बहुत। जब मिशन गगनयान के लिए उनको चुना गया, प्रधानमंत्री जी ने उनके नाम की घोषणा की, तो कैसा लगा उस समय? आप लोग देख रहे थे, मौजूद थे उस समय, कैसा? बहुत लगा? अच्छा लगा, बहुत प्राउड फील हुआ उस समय। तो आप ये समझिए कि गार्जियन को ये लगता है कि इससे बड़ी उसकी उपलब्ध नहीं हो सकती, बहुत बड़ी उपलब्ध उसकी तो थी ही, गार्जियन की भी बहुत बड़ी उपलब्ध थी कि हमारे बेटे ने बहुत कुछ कर दिया, जो मतलब जिस तरह उसको जो है सम्मानित किया गया, जिस तरह उसको जो है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा बैच पहनाए गए, वो एक क्षण बहुत ही जिंदगी का हमें उत्साहित करने वाला था, बहुत ही अच्छा लगा, और उस क्षण को हमेशा भूल नहीं पाएंगे, बहुत अच्छा, इतना प्राउड फील हुआ।